ये देखें, आज रोजी और ये दोनों मिलकर फिंगर चिप्स की तैयारी हो रही है। पानी तो यहाँ पे गिरता रहता है। उबोल देना नहीं। क्या करना है इसको? उबोल देना। उबोल देना इसको, आलू को उबोल देना है। बंद करो इसे। आज रोजी पूरी मेहनत कर रही फिंगर चिप्स बनाने में। ऐसे नहीं कटेगा बहन, तुम्हारा हाथ में लग जाएगा। पागल हो, लग जाने दो, फिंगर चिप्स तो खाने को मिलेगा। बहुत सही। पतला कर रहे हैं क्या? कि सही है, बहुत पतला है। अच्छा काट रही हो तुम वैसे। फिंगर चिप्स की शक्ल ले लिया ना? हाँ ले लिया है, लेकिन कुछ ज्यादा मोटा नहीं हो गया? नहीं, ये वाली बिल्कुल सही तुमने काटा है। चलो रखो। हाँ तुम्हें और पतला करना चाहिए इसे। तुम ना बताओ। सही है, रोजी भी आजकल कुकिंग सीख रही है, बहुत इंटरेस्ट ले रही कुकिंग सीखने में। मैं तो कुकिंग की वीडियो आजकल डाल नहीं रही हूँ, लेकिन रोजी बनाती मैं वो सारी वीडियो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। देखे कितनी सफाई से रोजी काट रही, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। बहन तुम्हारे लिए वो ले आए क्या? क्या कहते हैं, वही लेकर आए, वो पटरे का जो होता, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, मुझे नहीं पता। जिसको पता वो कमेंट में बता देगा ना, रोजी उस पे रख के काटेगी। हम लोगों की तो आदत है ऐसे ही हाथ पे रख के काट लेने की। अब इसको ऐसे नहीं करो, ऐसे नीचे कर देती ना तो फिर से हो जाता। और आलू दो। लो मैदे को भी पानी बहुत ज्यादा होता है। साथ में पलक भी लगी हुई है। हटो पलक ना छुओ। इसको क्या फेंकना है क्या रोजी? नहीं, इसको भी बनाएंगे। ये सारे आलू को पानी में डालो नमक के साथ। नमक उमक के साथ नहीं डालना है, नमक दे पानी में डाल दो बस। बस ठंडे पानी में डालना है, नमक नहीं डालोगे तभी तो नमक सीतेगा। नमक जब वो फ्राई हो जाएगा तब होगा। चलो आज हम भी देख लेते, मैंने तो कभी नहीं बनाया। तुमने नहीं बनाया, मुझे फालतू पे क्यों दे रही हो? नहीं आइडिया। सही है, काट लो भाई। तलिया तुम तब तक हंस के दिखा दो। तलिया हंस के दिखा दो, शायरी सुना दो। अच्छा कुछ तो सुनाओगी। चम्मच पे जीरा, जीरा पे चम्मच, सबसे दुनिया में लाख में हो आप मेरी अपनी हीरा। क्या बोली हो तुम उल्टा सीधा? कुछ भी मतलब। सही है रोजी के सारे फिंगर चिप्स बन गई। लो बहन ये भी काट लो। सबको रखो, एक बार धुलो फिर ठंडे पानी में डालो। ये थोड़ा मोटा नहीं है, इसको तुम्हें आई थिंक और पतला करना चाहिए। सारे आलू खराब हो गया। हाउ डेयर यू की मीनिंग क्या है? हाउ डेयर यू क्या? कौन बोला है तुमको तलबिया? हाउ डेयर यू, हमने बोला है तुमको? जब बोतल नहीं उठाएंगे तो बोतल नहीं उठाओगे पानी पीने के लिए, तुमको हाउ डेयर यू तो बोलेंगे ना। अच्छा तुम कह रहे थे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मना करने की? जी बस करो लड़कियों, गंदा गंदा हाथ ना लगाओ। मैं धो ली हूं। अच्छा अभी ज्यादा मोटा हो गया क्या? हाँ। पानी में डालना था ना, काट काट के डालना पड़ता। आलू चलो तब तक कटने दो। आ गई तुम इसी तरह। अब इसको क्या करोगी तुम? इसको धुल दो। धुल दे इसको, धुल के पानी फेंक दो। ये सब निकाल दो, ये सब जो काला काला सब निकाल दो। अब इसको ठंडे पानी में डाल दो। और काटो आलू, इतना से ये फ्राई होने के बाद सुसुक जाएगा। आलू है ही नहीं, टोटल आलू लिया। बस करो अब तुम ना बताओ। पतला पतला काटी है ये तो, मोटा नहीं काटी है। इससे वो हो गया ना तो ये ऐसा हो गया। पोंछ रही इसको, पानी
जाओ गिर गया और ये हटाओ, धुल के लाओ आप उसे। तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा वो लगाओ मैदा। अभी नहीं लगाना, एक बार फ्राई करके फ्रीज में रख दो आधी घंटे के लिए, फिर जब निकालोगी फिर उसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर लगा के फिर उसको डीप फ्राई कर। तो जब तुम फ्राई करोगी तो फिर इसमें मैदा कैसे चिपकेगा? चिपक जाएगा थोड़ा। नहीं चिपकेगा इसमें तो हम बना रहे ना, हमने कहीं से देखा है ना। कहाँ से तुम देखी हो? हमने यूट्यूब से देखा है। अच्छा चलो सही है, बनाओ तुम देखो। ये बहुत मोटा, पैन तो बंद करो, पैन तो बंद करो। तुम्हारी वीडियो ना बनाओ, अच्छे दिख नहीं रहे हैं हम। एक कवारी हट जा। थोड़ा थोड़ा डालो, अभी ना डालो एक साथ। पहले चला तो दो, वो चमचा कहाँ है? चलाना भी नहीं आता। तुम मुझे सिखाओगी? दादी अम्मा, दादी अम्मा। ज्यादा नहीं करना है, बस ठीक हो एक बार फ्राई कर लो और उसके बाद फिर इसको फ्रीजर में फ्रीज करना है 30 मिनट का। तो मतलब कि फिंगर चीज बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? और क्या, 1.5 घंटा पहले तैयारी होती है। तो रात का खाना नहीं बनेगा? अब निकालना इसे। निकालो, और प्लेट पास लाओ। तुम जल जाओगी, तुम मेरी बहन हो ना छोटी सी, इतनी मेहनत कर रही हो तुम। तो डाल दो, सब डाल दो। इस तरह आलू काट के फ्रीजर कर दो, जब बनाना हो और फ्राई करके खा लो। अच्छा तुमने एक बार में तुम्हें सब नहीं डालना था। सही कही, एक बार निकाल के दिखा दे, जरूरी के साथ दिखाना। तुम बीच में ना बोलो प्लीज। बस करो निकाल भी लो। ये भी निकालो। बन गया, अभी थोड़ी बना है, गाला नहीं वाला है। इसको भी पोछना है थोड़ा सा, इससे ही पोछ लो। नो, ये तो भीगा है, चिक्का पड़ जाएगा। ये मम्मी धुल के लाई थी। हाँ इसको मत देखो। गंदा कपड़ा इसका नहीं है ना, लेकिन साफ कपड़ा है। मम्मी धुल के इसको पहनाई थी। अब इसको क्या करना है? अभी इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज करना है। फिर इसमें अरे तुम्हारा मुंह कच्चा करना है। फ्रीजर में क्यों रख रही हो? जल्दी हो जाएगा। लेकिन उसने कहा 1 घंटा फ्रीजर में रखना। 1 घंटा से ज्यादा हो गया लग रहा था। फिर इससे निकल गया ना, ठंडा हो गया काफी। इसको तो बनाना बहुत आसान है। नहीं बजे खाना देते हैं। हाँ 2 बजे तक खाना मिल जाता है सबको, ये बात तो है।
बस करो हल्दी, नमक डालो, नमक डालो, नमक नहीं डालेगा, क्यों डालता है, कभी तो अच्छा लगता है। नहीं नमक उसने बाद में डाला था, डाल दो बहन, बस बहुत ज्यादा खा रहा है, मत करो मिंगी, इसमें से निकाल दे इसको, कितना है डाला, तभी तो सूखेगा। आई थिंक तुम्हें और डालना चाहिए मैदा। नहीं जी, बहुत कम मैदा यहाँ डालते हैं। इसको कागज से निकालो पहले, पकड़ो प्लेट, तेल था हमने तो पेट में चला जाता है, इसलिए इंसान टिश्यू पेपर रखता है ताकि सब सोख ले। तुम्हें एक टिश्यू पेपर भी ले, और थोड़ा सा डालो, ये सूख जाए। अच्छा, तो इसको जितना देर फ्रीज रहेगा नहीं उतना ही अच्छा बनेगा। प्लेट बनाए कौन, नहीं बस इतना ही बहुत है, थोड़ा इतना ही 20 रुपए का दे देता है ना। हाँ। थोड़ा थोड़ा मैदा डालो, सूखा हो जाना चाहिए। मैदा नहीं डालते, 20 रुपए का तो और थोड़ा देता है। अरारोट का आटा, अरारोट का नहीं, वो मकई का आटा डालते हैं, मक्के का आटा, मक्के का भी डाल सकते हैं, अरारोट का भी, लेकिन दुकानदार लोग अरारोट का ही डालते हैं। अब हम लोग ने तो एकदम ही स्पेशल कर दिया, महंगा भी पड़ता है, बस इसका जो पानी है वो सूखना चाहिए। फ्रीजर इसको और कर दें, फ्रीजर में और रख दें क्या है? नहीं पहले एक तो डाल कर देखो, तेल गरम हुआ, तेल गरम है, फिर डालो फ्राई करो, कढ़ाई तो सीधी करो, नमक डालो, फिर कढ़ाई में छान लो, जल्दी जल्दी छान लो ना, पता बहुत ज्यादा डाल दिया मैदा, इतना मैदा बहुत कम डाला था उसमें। हम बेच सकते हैं इसको बना के। देखो देखो दूर से देखो, बहुत जल रहा है, बिना बिना खाओ, लेकिन आप देखो अब जल्दी बन रहा है ना, लेकिन उस तरफ अगर जितना एक घंटा फ्रीज में रखना है इसको, जितना फ्रीज में रखोगे उतना अच्छा होती जल्दी बनेगा। ये तो सफेद बना है, हाँ तो अच्छी बात है ना, सफेद बनाए तो रंग डाल देते हैं, चाट मसाला डाल दो, बस निकाल लेना, अभी नमक बहुत कम है, अभी ऊपर से चाट मसाला डालेंगे ना। ऐसे दुकानदार लोग बना के रख रहते हैं, इसलिए सबको फटाफट जल्दी से छान लेते हैं, छान खाली दे देते, पर उनका लाल होता है, रंग भी यूज करते हैं ना, वो रंग यूज करते हैं और लेकिन हम लोग इजी बना सकते हैं ना, एसी में बैठे बैठे आलू काट लो। उनके में टेबल खुल जा रही लगता है तुम्हें, ऐसा ही वो भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो वही थोड़ा टेस्ट आएगा, है ना भैया? तो मैंने इसको एक बार फ्राई कर लिया था, दोबारा मैं इसको और फ्राई कर रही हूँ, ये दोबारा फ्राई करने से ना ये बहुत अब क्रंची हो गया है। अब बस इसके ऊपर चाट मसाला और नमक डालें और फिर इसको मजे से खाएं। आलू छिल,
मैंने कोई इतने ज्यादा डीप फ्राई कर लिया गया, उसको भी एक बार कर दो यार, ये सही है आई थिंक, है ना। हल्दी फालतू में डाल दिया क्या? ठंडा होने दो थोड़ा। हाँ ये क्रंची लग रहा है ये वाला, इसको दोबारा एक बार करके फिर से एक बार इसको डबल फ्राई करें, ट्रिपल फ्राई। ये तो जला लग रहा है, बंद कर दो गैस, बंद कर दो, जला लग रहा है, वो सही था, जला लग रहा है, उसमें निकालती फिर इसमें कर देती, तेल आ जाना है इसमें। तो यहाँ देखिए इसमें चाट मसाला और नमक मिलाने के बाद कितनी अच्छी आवाज़, इसमें क्रंची क्रंची सी आवाज़ भी आ रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। तो आप लोग भी ट्राई करें इसको एक बार फिर से और मुझे कमेंट में बताएं। और ये मैंने नहीं, ये रोज़ी ने बनाया हुआ है और बहुत मज़े का था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय।